वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, 200K गए हैं, उसको कंप्लीट करो यार, लाजमी कराओ यार, लाजमी। बहुत स्लो हो गए हैं सब्सक्राइब। हां ना, सही बात है, काफी स्लोली आ रहे हैं भाई ना। और अभी तक इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। आते हैं इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं अवश्यर। सो गाइस, बैकअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो यार अब आते हैं, इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मतलब आई है थोड़ी देर पहले ही ये न्यूज आई है, तो काफी लोग बोल रहे थे इस पर, काफी लोगों ने स्किलिंग्स भी सेंड किए। तो इंडिया ने कुछ शील्ड बनाई है जिस पर मतलब कोई भी एटॉमिक हमला अब नहीं हो सकते इंडिया पे। ऐसी शील्ड बनाई है जैसी कि मतलब इसराइल और अमेरिका के पास है, मे बी इंडिया ने खुद अपनी बनाई है, मे बी टाइटल में तो यही लग रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, उसी के बाद पता लगेगा कैसी है। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी सब्सक्राइब इनका चैनल कर लेना। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही कमाल का है। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ हाल ही में, S-400 के साथ भी हमने इसे कंपेयर किया था, और हर जगह ये चैंपियन बनकर सामने आया है। तो फिर सबके मन में एक सवाल तो हमेशा आता था कि जब भी इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने खुद बनाया है और काफ़ी सस्ता भी ऐसे बनाना, तो फिर भारत इसे डिप्लॉय क्यों नहीं करता, इसे सेना में शामिल क्यों नहीं कर रहा था। तो इसका जवाब ये था कि देखिए, भारतीय सेना इसे चाहती थी कि इसे सेना में शामिल कर लिया जाए। इस साल गवर्नमेंट को परमिशन भी मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट अभी कुछ खास चीज़ों के लिए रुकी हुई थी। क्या भारत चाहता था कि इसकी जो रेंज है और इसकी जो क्वालिटी है उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। और अच्छा, आपको खुशी होगी कि इसी महीने भारत ने इसका एक स्पेशल टेस्ट भी किया था, इसकी दो मिसाइलों का, AD-1 और AD-2, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा घातक बन चुका है। इसकी रेंज अब 5000 किलोमीटर है। जी हाँ, थार्ड जो है वो 150 से 200 किलोमीटर तक मारता है, जो अमेरिका का है। जो मतलब कि रूस का S-400 है वो मारता है करीबन 400 किलोमीटर तक। जो रूस का आने वाला भी होगा ना S-500, वो भी 600 से 700 किलोमीटर तक ही मार सकेगा, लेकिन हमारा BMD मार की जाता है 5000 किलोमीटर तक। तो अब जब इसके बहुत ही अच्छे टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने अब एक फैसला लिया है। क्या फैसला? इसकी डिप्लॉयमेंट का। जी हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। दरअसल इसकी डिप्लॉयमेंट कही जा रही थी कि 2024 तक होगी, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में सेना को आदेश दे दिया गया मतलब कि इसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी जाए। पहले इसकी फेज 1 की डिप्लॉयमेंट होगी, और फेज 1 की डिप्लॉयमेंट होगी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास ही इसके जो मतलब लैंड एक्विजिशन करके जल्द से जल्द इसका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें फिलहाल आपको मैं रेंज भी बता देता हूँ कि जो पहला फेज का होगा तो उसमें कौन कौन सी मिसाइलें होंगी और कितनी उसकी रेंज होगी और किस स्तर का वो डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो इसमें जो फेज 1 में पैड और एड दो सिस्टम तैनात होंगे, यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है कि शॉर्ट रेंज की मिसाइलों के लिए, और पृथ्वी यानी कि लॉन्ग रेंज के लिए। इसकी फिलहाल जो मतलब कि जो मिसाइलें होंगी उन्हें 3000 किलोमीटर की दूरी से ये डिटेक्ट कर लेगा, पता लगा लेगा कि ये मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, और जब वो 1500 किलोमीटर के एरिया में आएगी तो उसे मारकर गिरा देगा, यानी कि 3000 किलोमीटर में पता लगाएगा और 1500 किलोमीटर मारकर उसे दूरी गिरा देगा। यानी कि पाकिस्तान से चलने वाली मिसाइल पाकिस्तान में ध्वस्त कर दी जाएगी। ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है। फिर इसका फेज 2 होगा जो दिल्ली के बाद होगा मुंबई में, और इसके बाद जो फेज 1 वाली जो मिसाइलें हैं इन्हें भी अपग्रेड करके AD-1 और AD-2 वाली मिसाइल यहां पर तैनात करके इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 5000 किलोमीटर तक। और इसका जो टाइमिंग बताई गई है कि इस साल से जो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा, और अगले 1-1.5 साल के अंदर यानी 2022 की स्टार्टिंग तक ये इसके जितने भी मतलब कि डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट करके इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नहीं, 2022 से दिल्ली की सुरक्षा स्वदेशी भारतीय BMD करेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि आप अटैकिंग को दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन बात आती है जब सुरक्षा की और डिफेंस की तो हमेशा अपने हथियारों पर भरोसा करना चाहिए, भले ही अपने हथियार कमजोर हो। लेकिन यहाँ पर तो भारत के हथियार ऐसे हैं कि दूसरे देशों से बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर तो हम खुद का डिफेंस सिस्टम पर ही भरोसा जरूर करेंगे। और अटैकिंग पर भी भारत ध्यान दे रहा है। आज ही भारत के घातक UCAV को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, मैं उस पर भी वीडियो आपको बनाकर जल्दी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप बताएगा कमेंट करके कि आपको BMD सिस्टम की तैनाती पर क्या कहना है। भारत सरकार उसे 2 से 2.5 साल पहले तैनात करने वाली है, आपका क्या इस पर मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए थैंक यू।
और इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार सबसे पहले मुबारक हो, मतलब डिप्लॉय करने लगे हैं। तो यार वजाद अब एक और बात देख, बहुत बड़ी रेंज है इसकी, रेंज मुझे काफी शौक है। 5,000 किलोमीटर मतलब कि जो वो कहीं दूर से आ रहा होगा, मैं तो कहता हूँ चाइना के किसी भी कोने से अगर मिसाइल उड़ता है तो वो तो आराम से पता लग जाना। अबे चाइना में उड़ेगा तो वही इसे पता लग जाएगा। उधर से दूसरी मजे की बात, चाइना उड़ाएगा तो उसके ऊपर मतलब यार 3,000 पहले डिटेक्ट करेगा, तो तू खुद सोच यार मतलब। और मिसाइल की रेंज 5,000 है। हाँ मतलब अनबिलीवेबल यार, मतलब के उसको दूसरे कंट्री के ही मतलब के जो बॉर्डर होंगे उससे पहले उसको वहां पे खत्म किया जा सकता है मिसाइल उड़ा के। बिल्कुल। तो यार वैसे भी डिफेंस सिस्टम मतलब रशिया वो ने थोड़ी लेट कर दिया था। हाँ। ना रशिया ने मेरे ख्याल में चाइना की वजह से लेट किया जितना मुझे लग रहा है। हो सकते हैं यार। हाँ नहीं तो टर्की को 1.5 साल में दे दिया इंडिया के, अभी 2 से ऊपर हो गए अभी बंदा, मतलब डेट फाइनल की हुई थी फिर इनको नहीं दिया। लेकिन यार चल एक इससे ये फायदा हुआ कि इंडिया खुद मतलब चीज एग्जैक्टली जो इसने हिंदी नॉलेज शो वाले ने भी यही बात बोली है कि भाई अपना डिफेंस सिस्टम अपना होना चाहिए, बाकी हथियार अटैकिंग किसी और से बेशक हो लेकिन डिफेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद में बिल्कुल कोई शक नहीं है क्योंकि यार जाहिर बात अपनी चीज होती है, वो किसी टाइम भी बंद कर दे S-400 को। कुछ ना कुछ कोई भी कंट्री ला ला ये वाला काम पहले करता है ताकि वो बंदा जिस पे भेजा है वो मुझे मेरे ही ना काम तमाम ये काम पहले करते हैं लोग। वही ना, तो ये काफी अच्छी बात है कि मतलब कि इतना हैवी किस्म का सिस्टम मतलब इंडिया ने बना दी, काफी शॉकिंग भी है। और मतलब चलो S-400 थोड़ा सा इसका स्ट्रांग हो ठीक है, लेकिन रेंज जो नहीं है, रेंज जो इतनी मसला ही है सारा। चल उसकी स्पीड तेज है जो भी तेज है लेकिन रेंज नहीं है ना। एग्जैक्टली रेंज की है उसकी 400 है यार, S-500 की भी 700 है कि 800 600 700 500। तो इसकी यार 5,000 है यार, मतलब सोच 5,000 ICBM है पूरा। सीरियसली दूसरे कॉन्टिनेंट से भी आएगा उसे भी डिटेक्ट कर लेगा, यूरोप से भी कोई आता है वहां से भी डिटेक्ट कर लेगा। सही में यार मतलब क्या टेक्नोलॉजी DRDO ने बना डाली है, बहुत शौक है। और ये लगेगा अभी इसका पहला फेज दिल्ली में, दूसरा मुंबई में लगने वाला है। तो आप यार इसके बारे में क्या कहते हैं लाजमी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।